चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। मैं आप लोगों के लिए फिर आज एक ये अच्छा वाला टिप्स लेकर आ रहा हूँ। ये टिप्स आपको कैसा लगता है? देखिए, ये टिप्स फिर आज मैं पूरा बताऊंगा, खेल के दिखाऊंगा। ये कंप्यूटर में और बाहर में खिलाने वाला ही जैसा ही झंडी मुंडा है। खेल के देखते हैं बेस्ट कैसा होता है, कौन जीतता है, कितना जीतता है। इसी तरह हम खेलना चाहिए, कहीं भी खेलते हैं तो झंडी मुंडा इस ट्रिक से भी खेलना चाहिए। कोई दोस्त, कोई अपना रिश्तेदारी या किसी से खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं देखिए। मैं खेल रहा हूँ, मेरा 112 रुपया है यहाँ पर, 112 रुपये दिखा रहा है। अब मैं खेलने जा रहा हूँ, देखिए। अब मैं ईट में लगाऊंगा पैसा। ईट में कितना लगाऊंगा मैं? ईट में मैं 5 रुपया लगाऊंगा। ईट में 5 रुपया लगाऊंगा तो मेरा कितना होगा देखिए। 5 रुपया लगाऊंगा मैं ईट में और शुरू करूंगा, क्या हो जाता है देखिए। मेरा मेरा ईंट में लगाया, मेरा ट्रिक से 4 ईंट आ गया देखिए। अब फिर मैं लगाऊंगा, मेरा 132 रुपया होगा। फिर बेस्ट अगेन, फिर हम फिर लगाएंगे। अब लगाएंगे काला पान में लगाएंगे देखिए। काला पान में लगाने से क्या होता है, कितना आता है कि नहीं है। इसमें हम लगाते हैं 10 रुपया लगाते हैं देखिए। 10 रुपया जोड़ दिया। अब होता क्या है देखिए, खेलने कैसा है देखिए। मैं काला पान में लगाया तो मेरा फिर आ गया, मैं काला पान में फिर जीत लिया, मेरा 152 रुपया हो गया। फिर मैं फिर लगाऊंगा दूसरा दूसरा में देखिए। ये ट्रिक है, ऐसा ही ट्रिक भी लगता है दूसरा गोटी वाला झंडी मुंडा में भी। अभी मैं अब झंडी में लगाऊंगा, मैं झंडी में अभी 5 रुपया लगाऊंगा क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, फिर भी मैं लगाता हूँ। मैं 5, ठीक 5 रुपया लगाता हूँ अभी। अब झंडी में मैं 5 रुपया लगाया, फिर रोल करता हूँ। देखो अभी इसमें पान आ गया, काला पान आ गया, लाल पान आ गया, मेरा 5 रुपया लस हो गया। मेरे को पता था कि ये लस हो सकता है, इसीलिए मैंने अच्छा सिर्फ 5 रुपया लगाया। अब मैं फिर अगेन करता हूँ। अब फिर अगेन मैं अब मैं किस में लगाऊँ? मैं चिड़ी में लगाता हूँ देखिए। अब मैं चिड़ी में 5 ही रुपया लगाता हूँ। ये झंडी मुंडा ज्यादा खेलने वाला चीज नहीं है। 10 रुपया हो गया, इसमें मैं 5 रुपया लगाता हूँ देखिए। अब फिर मैं रोल करता हूँ, देखो इसमें काला पानी आ गया, फिर मेरा फिर लस हो गया। मैं लस में हूँ, लस हो गया, मगर मैं लस में नहीं हूँ। मेरा बैलेंस है, 110 रुपया से खेला था, 142 रुपया है अभी तक, मैं प्लस में ही हूँ। अब फिर रोल करते हैं देखिए। अब फिर पैसा लगाते हैं, किस में लगाएं? और ईंट में लगाएं, ईंट में लगाएं, कितना? 5 रुपया। फिर क्योंकि डाउट है ना, डाउट होने से ज़्यादा देखो। अब पूरा पूरा लास्ट, एक एक गोटी आने से हमारा जितना भी था पूरा लॉस हो जाएगा, जो भी खेला होता पूरा लॉस होता देखिए। अब फिर हम फिर खेलते हैं। अब मैं लगाऊंगा लाल पान में लगाऊंगा, कितना? 10 रुपया लगाऊंगा लाल पान में। 10 रुपया लगाने से अभी क्या होता है देखिए। लाल पान में 10 रुपया लगाया, देखो देखो भाई देखो, फिर आ गया मैं।
प्लस में ही हूँ, मेरा 20 रुपया आ गया, मैंने 20 रुपया जीता, फिर मैं फिर खेलता हूँ, फिर खेलने से अब मैं कितना लगाता हूँ, अब मैं किस में लगाऊँ, मैं अब मुकुट में लगाता हूँ, मुकुट ज़्यादातर नहीं आ गया, ये मुकुट में मैं कैसे लगाता हूँ, अब देखो कितना लगाए, 5 ही रुपया लगाए, इसमें भी ट्राई करते हैं। देखिए खेलने के टाइम में ट्राई कर करके खेलना चाहिए, एक ही साथ ज़्यादा पैसा लगाना नहीं चाहिए। अभी देखिए क्या होता है, देखो इसमें फिर काला पान आ गया, ईट आ गया, मैं फिर लॉस में चला गया। फिर देखते हैं अब मैं चिड़ी में ही लगाऊंगा, फिर देखो अब क्या होता है, चिड़ी में मैं 10 रुपया डाल देता हूँ, अब मैं थोड़ा 10, मैं 5 ही लगा देता हूँ, अभी 10 नहीं लगा। देखो मैं लगाया होता तो हार जाता, इसीलिए सोच सोच के खेलो, सोच सोच के खेलो, खेलते टाइम जीते घाटा ना हो, जितना चाहिए थोड़ा भी हो जितना चाहिए। अभी ट्राई करके थोड़ा थोड़ा खेल के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ज़्यादा पैसा नहीं डालना है। अभी मैं ईट में 10 रुपया डाल दिया, फिर मेरा आ गया 10 का 20 आ गया, देखो अब मेरा 167 रुपया हो गया, मैं अब यहाँ 60 रुपया जीत गया। इसीलिए आज के लिए मैं ये गेम क्विट करता हूँ, फिर आपको कल खेला कर दिखाऊंगा, दूसरा वीडियो में दिखाऊंगा, अभी के लिए।